ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। कल मैं एक के घर गई थी, माँ के घर में, उसके बेटे को जॉब करता था, बड़ा बड़ी लाख है ये है, तो उसके बेटे को किडनैप कर लिया उन्हीं के दोस्तों ने। बता रही थी पांच दोस्तों का तो मुख का हाथ था, तीन और भी थे उसमें सरिक, आठ लोग थे। कमरा किराए से लिया, मकान मालिक ऐसा, क्योंकि उसने 15,000 दिया तो मकान मालिक बड़ा खुश कि हमको तो 15,000 मिलेगा, बाकी उसने कुछ पूछताछ नहीं की। लड़के को किडनैप करके रतनलाल नगर में ही कमरा लिया था और वहां ही रखा, और रोज उसको सोने का कौन सा होता है इंजेक्शन देता था, और 35,000,000 की डिमांड की थी, 35,00,000 भी जुटा दिए, बोला दे जाना। आठ को इस बेटे को मार डाला था इन लोगों ने, और मार के वहां बहा दिया था पांडो नदी में, लाश भी नहीं मिली ना। बहुत तड़फ रही थी, रो रही थी, मेरा बेटा इतना अच्छा था, मेरा बेटा इतना अच्छा था। हमने कहा दोनों का कर्मों का बहुत कड़ा हिसाब किताब था, आप समझ जाओ, दोनों ने मिलके ऐसे पाप कर्म किए हैं कि वो तड़फा तड़फा के आपको रुला रहा है और आप समझ नहीं रहे हो। वो तो चला गया, कितनी बुरी मौत से मरा है, और बहुत सख्त अकाउंट होगा, तो उसने वो कर्म का आप चुकाया, और आप जो चुका रही हो रो रो करके, शरीर को बिल्कुल बेकार कर दिए हो, ज्ञान छोड़ चुके हो, कर्मों की गहन गति को क्या करो, समझ जाओ और बाबा के घर आ जाओ। अब तो श्रेष्ठ कर्म कर लो, जो हो गया सो हो गया, अब तो जागरूक हो जाओ, आत्मा का दीपक जगा लो, जिसके कारण हम पाप कर्म करते हैं उसका फल इसको भोगना पड़ता है। तभी गौतम बुद्ध ने कहा ना, ज्ञान दिया वाल्मीकि को, जाओ घर वालों से पूछो कि जो ये तुम पाप कर्म कर रहे हो इसका फल आप सब मिलके भोगोगे। तो सबने क्या जवाब दिया था, हमें तो खाने पहनने से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं आप कैसे लेके आ रहे हो, हम नहीं भोगेंगे।